नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, तो वो कल के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने बाई जो 100 डे EMA का स्ट्रेटेजी है उसका कौन सा स्टॉक में फॉर्म हुआ है उसका कुछ कुछ दिखाऊंगा, और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो भी दिखाऊंगा और फिबोनाची लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को जो रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और ये बाय सेल लेवल्स और ये इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, चार्ट का सेटअप है और टेक्निक है, स्ट्रैटेजीज है स्टॉक मार्केट का, तो उस आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग को प्रॉफिट का रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट करने का बहुत ही आसान कर देगा। तो इस वीडियो को इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो फाइल है मैंने पूरा इस फाइल का डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा और पिछले वाला वीडियो से आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या रहता है और कैसे स्क्रीनिंग करता है। तो इसको आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लीजिए और उसका व्हाट्सएप का इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के आप लोग को मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ। इसमें 150 FNO स्टॉक्स है, फ्यूचर्स है, कमोडिटी है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है और भी बहुत सारा चीज़ रहता है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद आप लोग पेड सर्विस ले सकता है और उसका लिंक आप लोग को दिया जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया जाएगा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए मेरा जो बाई सेल लेवल कम स्किनर है इसमें मैं बाई सेल लेवल तीनों बाई सेल लेवल रहता है और कुछ इंडिकेटर्स रहता है जो देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कुछ EMA का क्रॉस ओवर, बुलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, ये सब रहता है। और बाई सेल लेवल थ्री को मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में डिवाइड किया, जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो गया है उसको वो जो वीटेस होकर नीचे आएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब वीटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा उसको, और कौन सा लेवल पर कौन सा स्टॉक्स है वो भी आप लोग को इधर से क्लियरली दिख जाएगा। और आप लोग इधर से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता भी लगा सकता है स्क्रीनिंग करके, कौन सा क्रॉस ओवर, कौन सा स्टॉक्स में अपसाइड में क्रॉस ओवर हुआ है, डाउन साइड में क्रॉस ओवर आया हुआ है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। तो ऐसे आप लोग स्क्रीन कर सकता है और पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो देखिए मैंने बाई सेल लेवल, ये जो बाई सेल लेवल वन है आप लोग देख सकते हैं इधर, ये बाई सेल लेवल वन है, ये बड़ा करा हूँ इसीलिए इधर नहीं देख सकता, इसीलिए बाई एम आप लेवल बीच में रहेगा। टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ ये स्टॉक्स मैंने चुना है स्क्रीनिंग करके, बाई अप लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहेगा, और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ। ये गया बाई लेवल एंड सेल लेवल वन। इसके बाद बाई लेवल एंड सेल लेवल टू, और इसके बाद बाई लेवल एंड सेल लेवल थ्री आएगा। ये है बाई लेवल एंड सेल लेवल थ्री। तो इधर आर वन एंट्री पॉइंट है, बाई का एंट्री लेवल है, एस वन का एंट्री लेवल है। ये सभी लेवल्स पे आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। सोच लीजिए 617 और 613 के बीच में ओपन हुआ है, तो सोच लीजिए 616 या 615 में ओपन हुआ है, तो आप लोग को 600 उसके बाद आप लोग को एंट्री लेना पड़ेगा। और 613 को नज़दीक ओपन होगा तो आप लोग को 613 क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए देखना पड़ेगा, ऐसे करके आप लोग को देख लेना पड़ेगा। सभी बाई एस एल लेवल में ऐसा करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल को देखना पड़ेगा। यह है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, इसका वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। ये है बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और प्राइस चैनल दिखा दिया क्या, प्राइस चैनल चला गया, हाँ प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। टीडॉल लेवल का भी आप लोग देख सकता है, ये जो टीडॉल लेवल है इसका टॉप मिडिल और बॉटम, टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाऊंगा। ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है और बैंक निफ्टी का इंडेक्स है,
मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस आप लोग देख लीजिए। कल का वीडियो मतलब कल का जो दिया था उसका आज का कैसे परफॉर्मेंस रहा, आप लोग वैसे लेवल 1 2 3 नोट करते रहिए। 1 2 3 चला गया, उसके बाद 1 2 चला गया, उसके बाद 3 आ रहा है, इधर ये 3 है, ये स्टैंडर्ड पिवट बैंड है, बोलिंजर बैंड का वैल्यू, प्राइस चैनल का वैल्यू और टीटन लेवल का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है। और उसके बाद कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा, कमोडिटी का ये बाई ऑन लेवल, ये सेल लेवल, बाई बाई लेवल, बाई एंड लेवल एंड सेल लेवल 2। और बाई लेवल सेल लेवल 3, रेंज एंड प्राइस चैनल टीर ऑन लेवल। उसके बाद और भी कुछ बाकी रहेगा कमोडिटी का कर देता हूँ। और कुछ प्राइस कुछ फ्यूचर्स का मैंने ऐसे ही दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर सकता है, बाई लेवल सेल लेवल नोट कर सकता है। इसका वीकी लेवल दिखाता हूँ, आप लोग कैश लेवल के ऐसे ही ये फ्यूचर्स का कर सकता है, तभी फ्यूचर्स का लेवल दिखा देगा। उसके बाद मैंने 100 डे का जो मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है उसका मैंने आप लोग को दिखाता हूँ। कोलकाता स्टॉक्स में ये फॉर्म हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसका हाई लो ब्रेक होने के बाद आप लोग सोच लीजिए, इधर बैंक बड़ौदा में दिखाता है, बैंक बड़ौदा थोड़ा सा छोटा स्टॉक हो जा रहा है, ठीक है। इधर कोल इंडिया, कोल इंडिया में देखिए 100 जो 100 डे का जो ईमे है, आज का जो कैंडल बना है, आज का और डेली चार्ट का जो कैंडल बनता है उसको क्रॉस किया है, तो ये आज का जो हाई और लो है उसको ब्रेक होने के बाद आप लोग को एंट्री लेना है, बाई और सेल, बाई या सेल लेवल को एंट्री लेना है। तो एक मिनट, मैंने चार्ट में भी दिखाने का समझाने का कोशिश करूँगा। कोल इंडिया का देखता मैं, देखिए डेली चार्ट लगाना पड़े, आज का जो कैंडल है उसको 100 डे में क्रॉस होना चाहिए। ये देखिए जो 100 डे का मूविंग एवरेज आप लोग देख सकते हैं, इधर मैंने जो कर्सर रखा जो वायलेट वाला कलर है, पर्पल कलर जो कलर है उसका, देखिए ये 100 डे मूविंग एवरेज है, इसका आज का कैंडल को ये कट किया है, तो ये इसका हाई लो जब तोड़ेगा 203 और 100, 203 70 और 197.35, इसमें आप लोग को प्रॉफिट आएगा। ये इसीलिए आप लोग इसको नोट कर सकता है। देखिए कोल इंडिया गया, बैंक बड़ौदा गया, ये सब मैंने सभी तो नहीं दिखाऊंगा, तो एक्साइज इंडस्ट्रीज इसमें आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद को चेक कर सकते हैं, लैंडमार्क ये सब आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, पेड सर्विस फ्री टाइम में ज्वाइन हो सकता है, वो आप लोग देख ले सकते हैं, पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा। फिर सर्विस में जो लोग हैं वो भी पूरा फाइल मिल जाएगा, और मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इधर इनसाइड द बार NR4 NR2, इनसाइड द बार 1 डे 2 डे का हिसाब से NR4 NR7 का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। इधर कौन सा फॉर्म हुआ है वो भी आप लोग को देख लेना पड़ेगा, दिखाता हूँ। 1 डे का बना है ये, और इधर NR4 NR7 आप लोग देख सकते हैं। मैंने कॉमन कुछ है क्या एक बार देखा तो एक साथ आप लोग को समझना समझा दे सकता हूँ कि NR4 NR7 1 डे एक साथ कुछ नहीं बना है। तो NR4 और NR7 का केस में आप लोग को जो करेंट डे मतलब आज का जो हाई लो बना है उसका तोड़ने के बाद आप लोग को NR4 NR7 में एंट्री लेना पड़ेगा। और 1 डे का 2 डे का जो इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो 1 डे का मतलब अगला का आज का कैंडल जो है उसका अगला कैंडल का जो हाई लो है उसका डे 1 है, इसका हाई लो ब्रेक करना पड़ेगा। और 2 डेज़ का जो 2 डेज़ का जो इनसाइड द बार है उसमें उसका अगला कैंडल मतलब थर्ड कैंडल का जो कि डायने से बाएं तरफ थर्ड कैंडल को जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, डे 2 का हाई लो ब्रेक करना पड़ेगा। ये है इसका लेवल। और देखिए हायर हाई जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है ये सब आप लोग इधर से पढ़ सकते हैं, मैं इतना नहीं बोलूँगा तो आप लोग को हम लोग इधर से कुछ पड़ सा यहाँ लो डोजी अप ट्रेंड, डोजी डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, कौन सा स्टॉक्स में बना है आप लोग कुछ चेक कर सकता है। मैंने बहुत बार देखा चुका हूँ और अभी नहीं दिखाता हूँ।